गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हिमांशु, लेक्चरर ऑफ ज्योग्राफी, अजमेर से। हमारे गुरु के टॉपिक कंटिन्यू चल रहे हैं। आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, नए नए टॉपिक रोज आ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है आपको विचार विचारधारा, जिसमें मानववाद, नीतिवाद, प्रत्यक्षवाद, मात्रात्मक क्रांति, बॉस व्यवहारवादी, नीतिवाद, नवनीतिवाद, बहुत सारे इसमें शामिल है। एग्जाम की दृष्टि से तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कहाँ पर कैसे, ताकि इन्हीं में बार बार कंफ्यूज होते हैं और इन्हीं में सब क्वेश्चन आते हैं। कभी स्कूल लेक्चर में देख लो, कभी बिट्स में एग्जाम देख लो, कॉलेज में तब क्या था, नेट एनडीए नेट सभी में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी नई टॉपिक पढ़ना है, कोई भी टॉपिक, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नीतिवाद। देखिए दोस्तों, नीतिवाद आया कहाँ से? नीतिवाद है जर्मन स्कूल से, यानी कि जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से, ठीक है, ये जर्मनी से आया दोस्तों। इसके प्रतिपादक कौन थे? देखिए इसके प्रतिपादक रेटजे महोदय। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनके प्रतिपादक है रेटजे महोदय। रेटजे महोदय ध्यान रखिएगा, जो आधुनिक आधुनिक भूगोल के पिता हैं। कौन है? आधुनिक भूगोल के पिता, आधुनिक भूगोल के पिता कौन? रेटजे। इन्होंने नीतिवाद का समर्थन किया। देखो नीतिवाद होता क्या, पहले देखिए नीतिवाद में क्या होता है, प्रकृति सर्वोपरि है, यानी प्रकृति सर्वोपरि है। देखिए यहाँ लिखिए इसमें आप, प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति सर्वोपरि अर्थात मानव इसमें गौण है, तो प्रकृति अपने इच्छा अनुसार चलती रहती है। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि प्रकृति अपने इच्छा अनुसार मानव पे चेंज कर सकती है, लेकिन मानव प्रकृति को चेंज नहीं कर सकता। जैसे मानव कहीं पर पर्वत पठार मैदान में जलवायु है, जलवायु को मानव चेंज कर सकता। ये नीतिवाद वाले विचारक ये मानते थे कि प्रकृति सर्वोपरि, प्रकृति को कोई विश्व में चेंज नहीं कर सकता, प्रकृति अपने इच्छा अनुसार मानव को चेंज कर सकती। इसीलिए इसी प्रकृति को क्या माना है? सर्वोपरि माना है। चाहे आप नदी पठार चलती है, नदी अपने हिसाब से अपना रास्ता बना रहती है, मतलब प्रकृति चल रही है, पर्वत पठार अपने हिसाब से बन रहे, मतलब प्रकृति सर्वोपरि है। तो ये इसमें प्रकृति सर्वोपरि माना है, मानव को गौण माना है ना। तो इस संभववाद में मानव को सर्वोपरि माना जाता है, प्रकृति सर्वोपरि व मानव गौण। मानव इसमें क्या है? गौण, मतलब मानव की इसमें भूमिका कम होती है और प्रकृति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। किसमें? नीतिवाद के अंदर। इसको दोस्तों जियो क्रेट भी कहा जाता है। देखिए इसको क्या कहते हैं? जियो क्रेट, क्योंकि जो जीव प्रकृति नीतिवाद की विचारधारा जिन्होंने दी है, उन्हें सभी मिलकर जियो क्रेट एक शब्द दिया। अब इसका समर्थन किसने किया? एग्जाम में अगर ये समर्थन किसने किया, उन्होंने क्या क्या कहा, तो हम पहले बात करते हैं इसके अंदर। और पहले विचारधारा विचारक है जो इसे समर्थन करने वाले नीतिवादी, थ्यूसिडिडस। देखिए थ्यूसिडिडस, थ्यूसिडिडस इन्होंने कहा कि प्रकृति में किसी प्रकार का चेंज संभव नहीं है। और जो ध्यान रखिए नीतिवाद के जो समर्थकों में माने जाते हैं, नीतिवाद के समर्थकों में ज्यादा माने जाते हैं यूनान के लोग, यूनान यूनान के लोग इसमें ज्यादा समर्थक रूप में माने गए हैं। अब थ्यूसिडिडस में क्या होता है? थ्यूसिडिडस थे यूनान के महोदय, यूनान के भूगोल में था। तो इन्होंने जो यूनान यूनान में विचारधारा चलिए, तो यूनान के जो क्लाइमेट वहां की प्रकृति को सर्वोपरि मानने वाले में थ्यूसिडिडस सर्वप्रति सर्वप्रमुख है, उन्होंने प्रकृति को प्रमुख माना है। हमारे दूसरे में कहे जाते हैं हेरोडोटस। देखिए हेरोडोटस, हेरोडोटस महोदय ने क्या कहा था? हेरोडोटस महोदय ने देखो वो जो सभ्यताएं विकसित हुई, उन सभ्यताओं के विकसित होने के पीछे प्रकृति का हाथ मान लिया। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि नील नदी, क्या कहा था कि नील नदी के किनारे विकसित हुई कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। इन्होंने नील नदी के, तो मिस्र की सभ्यता के उद्भव के लिए नील नदी को महत्वपूर्ण मान लिया। तो क्या कहा हेरोडोटस ने कि प्रकृति है, नील नदी क्या प्रकृति का एक भाग है जिसके आधार पर मानव ने उत्पत्ति हुई है, यानी कि सभ्यताएं विकास हुई। तो किसको हेरोडोटस ने माना? नील नदी को सर्वोपरि। मैं दूसरे आते हैं देखो हिप्पोक्रेटिस, हिप्पोक्रेटिस। देखो दोस्तों हिप्पोक्रेटिस की पुस्तक, इस पुस्तक थी ऑन एयर और वाटर, इसके अंदर इन्होंने प्रकृति को सर्वोपरि माना है। क्या कहा? एयर के अंदर वायु आई,
पानी आ गया, तो वायु पानी है तो उसमें मानव क्या चेंज कर सकता है? वायु पानी मानव चेंज नहीं कर सकता, बल्कि यदि वायु पानी बंद हो जाए तो मानव चेंज हो सकता है, मानव में चेंजेज आ सकते, मानव नहीं रहेगा ही नहीं। तो हिप्पोक्रेटिस एक जोड़ा क्रिटिकल कर दी कि मानव पानी इस अपनी बुक के अंदर कि प्रकृति सर्वोपरि है, मानव उसके सामने कुछ नहीं है। तो आप यदि मानव सर्वोपरि मानव को बताइए एयर वाटर को चेंज कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या, प्रकृति सर्वोपरि है। इसके और समर्थक कौन कौन से थे दोस्तों? एक अरस्तु मोदी थे, अरस्तु मोदी भी नीतिवाद के समर्थक थे। इन्होंने अपनी बुक पॉलिटिक्स, कौन सी है? पॉलिटिक्स। अब इन्होंने पॉलिटिक्स पुस्तक में क्या कहा था, देखो पॉलिटिक्स में क्या कहा कि जो अफ्रीकी और एशियाई लोग हैं, जो अफ्रीकी व एशियाई लोग, वह एशियाई लोग ये आलसी होते हैं, आलसी और कम बुद्धिमानी, वह कम बुद्धिमानी होते हैं। ये किसने कहा? अरस्तु मोदी ने। इन्होंने कहा कि जो उष्णकटिबंध में रहते हैं, जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं, वो आलसी और कम बुद्धिमान होते हैं। मतलब क्या कि मानव प्रकृति के अनुसार चेंज हुआ है, मतलब गर्म प्रदेश है तो मानव चेंज हो गया, तो क्या हुआ? कम बुद्धिमानी, आलसी हो गए, मतलब प्रकृति यहाँ पर कहीं ना कहीं हावी है। हमारे नेक्स्ट थे मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू जो इसके प्रबल समर्थक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखो शीत प्रदेश के कहा, शीत प्रदेशों के लोग, शीत प्रदेशों के लोग क्या है? बुद्धिमानी है और मेहनती भी है। क्या है? बुद्धिमानी है, मेहनती। ये किसने कहा? ये कहा मोंटेस्क्यू मोदी ने। अब देखिए चेंज किया, अरस्तु ने कहा कि जो उष्णकटिबंधीय कालीन देशों में है वो तो आलसी और कम बुद्धिमानी है, और वही मोंटेस्क्यू ने क्या कहा, शीत प्रदेश में रहते बुद्धिमानी मेहनती है। मतलब यहाँ भी पर्यावरण हावी हो गया, यहाँ भी नीतिवाद की परिक्रमा लागू हो रही है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट थे देखिए एडमंड, एडमंड डीमोलिसिस, डीमोलिसिस वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, देखिए दोस्तों डीमोलिसिस ने क्या कहा, मानव, इन्होंने इकट्ठा की कि मानव, मानव मानव को प्रकृति चेंज कर सकती है, या मानव को प्रभावित करता कौन? पर्यावरण। मानव को प्रभावित करता है पर्यावरण, ये इन्होंने कहा, प्रभावित पर्यावरण करता है। किसने कहा? एडमंड डीमोलिसिस। तो ये क्या कितने की कितने कट्टर है कि मानव को प्रभावित पर्यावरण अपने हिसाब से प्रभावित कर सकता है, प्रकृति अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। किसको? मानव, मानव को। जैसे मानव कई उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तो वहां पर क्या प्रकृति चेंज किया, शीत प्रदेश है तो वहां पर किसने किया, मानव ने, और प्रकृति ने मानव को चेंज किया। तो ये कि किसने किया, एडमंड डीमोलिसिस ने। ये पर हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं रेडचेल मोदे। देखिए आप यहां जाके इसकी उत्पत्ति किसने की सिद्धांत की है दोस्तों, ये किसने का सिद्धांत, रेडचेल मोदे ने दिया है। किसने? नीतिवाद, रेडचेल मोदे ने दिया है, या इनके पिता कह सकते हैं। तो रेडचेल मोदे क्या होते हैं, रेडचेल ने पूर्ण समर्थन किया नीतिवाद को, इसकी उत्पत्ति ही नीतिवाद की रेडचेल मोदे से मानी जाती है, जो कि आधुनिक भूगोल के पिता भी हैं। क्या है? आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? रेडचेल मोदे। इन्होंने एक संकल्पना दी थी लेबनसम संकल्पना, ध्यान की लेबनसम, लेबनसम संकल्पना दी थी जिसका अर्थ है जीवों के रहने का स्थान, जीवों के रहने का स्थान। ये पुस्तक इन्होंने रेडचेल का भी कौन सी पुस्तक मिली दोस्तों, देखिए इन्होंने कौन सी पुस्तक मिली थी, इनकी पुस्तक थी, याद ध्यान रखिए रेडचेल की पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी में जिसके अंदर मानव का अध्ययन है। देखिए जिसमें किसका है, इसमें मानव का अध्ययन है। तो रेडचेल मोदे ने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक में मानव का अध्ययन किया, जिसमें बताया कि प्रकृति, प्रकृति के अंदर मानव रहता है, प्रकृति में मानव होता, मानव प्रकृति नहीं रहती है। तो क्या हुआ, रेडचेल ने कहा प्रकृति सर्वोपरि है, तो इन्होंने देखा। आगे वैज्ञानिक आते हैं दोस्तों,
नो आगे है हम्बोल्ट व रिटर मोदे, हम्बोल्ट व रिटर मोदे। रिटर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जैसे पर्वत पठार और मैदान है वहां के लोग कद में छोटे होते हैं और उनके पैर मजबूत होते हैं, कद में छोटे छोटे और पैर मजबूत, तो किसके लिए, ये प्रकृति के अनुसार चेंज हुए हैं, मतलब यहाँ पर भी प्रकृति हावी हो गई। कौन सा बोल रिटर्न होते हैं क्या, कि पर्वत पठारों पर जो लोग रहते हैं उनके कद छोटे होते हैं पैर मजबूत होते हैं, मतलब प्रकृति के अनुसार चलते हैं। इसी प्रकार जैसे दोस्तों नाव चलाते हैं तो नाव वो भी प्रकृति के अनुसार चेंज होते हैं, कैसे, तो उनके भुजाएं इंपॉर्टेंट है तो भुजाओं से सहारा लगाते हैं नाव चलाने, तो वहां भी प्रकृति हावी हो गई। ये सारे सार क्या थे, अब देखिए इसी में आता है दोस्तों आगे, इसके बाद मूल परिभाषा क्या हुई, क्या कि प्रकृति सब कुछ है मानव के सामने दौड़, मतलब प्रकृति अपने इच्छा अनुसार मानव में उसके व्यवहार में चेंजेस ला सकती है। ये सारे जो मुख्य मुख्य जो वैज्ञानिक है उन्होंने इस नीतिवाद का पूर्णतया समर्थन किया, इनका विरोध बहुत बहुत कम लोगों ने किया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं संभववाद की, अब हमारा टॉपिक आता है संभववाद। देखिए संभववाद में क्या होता है, संभववाद भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके अंदर, विचारधाराओं में प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों के बीच में। संभववाद के देखो दोस्तों इसका समर्थन क्या किसने किया, ये संभववाद विचारधारा कौन थी, ये दीदी वाइडल डी लाप्लास ने, किसने दी, वाइडल डी लाप्लास ने दी थी। तो देखिए इन जो इसके समर्थक है वह फ्रेंच यानी कि फ्रांस से आए हैं, ध्यान रखना फ्रेंच स्कूल या ध्यान से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, किसकी मानी गई है, संभववाद की। इसको वियोग्रेट भी कहा जाता है, देखिए वियोग्रेट दोस्तों इसमें क्या कहता, इसमें वियोग्रेट जियोग्रेट कहा है, इसको वियोग्रेट कहा है, ये इंपॉर्टेंट है कभी एग्जाम्स में आ जाए तो। इसमें प्रकृति संबंधी दोस्तों देखिए इसके अंदर मानव सर्वोपरि है, मानव सर्वोपरि है और प्रकृति इसके सामने गौण है, क्या है प्रकृति गौण, तो ये क्या हुई, दोनों में विपरीत संबंध पाया गया, जर्मन स्कूल फ्रेंच स्कूल, प्रकृति सर्वोपरि मानव सर्वोपरि, सर्वोपरि जियोग्रेट और बियोग्रेट, रेडजे ने दिया और ब्लास्ट ने ये विचारधारा दी। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि जो संभववाद शब्द है, देखिए संभववाद शब्द, संभववाद शब्द किसने देता, संभववाद शब्द दिया था दोस्तों फेब्रे मोदे ने, किसने दिया था, फेब्रे ने, कंफ्यूज मत होइएगा, संभववाद की विचारधारा दी है ब्लास मोदे ने तो संभववाद शब्द दिया फेब्रे मोदे ने। तो इसमें क्या होता है कि संभववाद में क्या गया कि मानव सर्वोपरि प्रकृति इसके सामने कुछ नहीं है, मानव अपने हिसाब से, मानव अपने हिसाब से प्रकृति में चेंज ला सकता है और अपना नीतिवाद क्या बोलता है, जस्ट पॉजिटिव होता है। इसमें क्या कहते हैं एक परिभाषा थी वो है कि मानव प्रकृति के ऊपर आंशिक रूप से जीत प्राप्त कर लेता है, कि मानव प्रकृति के ऊपर आंशिक जीत प्राप्त कर लेता है, उसी के घमंड में चूर होकर वह अपने स्वयं की भरपूर प्रशंसा करता है। जो कितने कट्टर है इसमें एक कट्टर पति थे कुमारी शंपल, ध्यान होगा आपको दोस्तों कुमारी शंपल, शंपल शंपल ने क्या कहा था, जबरदस्त कट्टर थी, इनकी पुस्तक थी इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी, इन्फ्लुएंस देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी, पूरी पुस्तक का नाम लिखा है भाई, पुस्तक इसी पर है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, इसके फर्स्ट पेज पर, इस बुक के फर्स्ट पेज क्या लिखा हुआ था, प्रकृति मानव मानव प्रकृति की उपज है, प्रकृति की उपज है। देखिए क्या कहा था, मानव प्रकृति की उपज है, किसने क्या, सैंपल मोदे, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी के अंदर। अब देखो ये फर्स्ट पेज पर लिखी है इस बुक पर, बुक के फर्स्ट पेज पर क्या लिखी है कि मानव प्रकृति की प्रचार की उपज है, इन्फ्लुएंस शानदार था। इसके पूर्ण समर्थक नीतिवाद के अंदर ये सैंपल जो रेड जेल की शिक्षा थी, ध्यान रखिएगा कुमारी शंपल रेड जेल की शिक्षा थी, इन्होंने मानव प्रकृति की उपज का है एक। अब देखिए ये तो हो गया हमारा नीतिवाद की, अब हम बात कर लेते हैं संभववाद की, इसको मैं इंपोर्टेंट आप रख लीजिए, मेन को इसको ध्यान रख लीजिए,
एक इसको चलो हम पहले से बात कर लेते हैं। अब देखो इसके साथ पहले आता है एक फेब्रेन होते हैं, फेब्रेन जी की बात कर लेते हैं। तो फेब्रेन का प्रकृति एक सलाहकार से सॉरी सर्वत्र संभावनाएं हैं, सर्वत्र संभावनाएं हैं। देखो इनकी विचारधारा जो है सर्वत्र संभावनाएं हैं। और ध्यान रखना इसमें एक फेब्रेन होते थे जिसका कोई निश्चित अंत नहीं है। इसलिए फेब्रेन है मतलब आज का संभावनाएं मानव अपने अच्छा और सम्मान को उपभोग कर सकता है। क्या कि प्रकृति सर्वत्र संभावनाएं प्रकृति कुछ नहीं, प्रकृति कुछ नहीं है। और इसमें मानव ध्यान रखिए मानव उन संभावनाओं को अपने हिसाब से उपभोग कर सकता है। देखिए क्या सर्वत्र संभावनाएं किसने दी थी, फेब्रेन बोधे ने कहा कि मानव उन संभावनाओं का उपभोग है। क्या है मानव उन संभावनाओं का अपने हिसाब से उपभोग कर सकता है जैसा चाहे मानव कुछ उपभोग कर सकता है। किसने कहा था संभाववादी विचारधाराओं ने, क्या कहा फेब्रेन ने कि प्रकृति में सर्वत्र संभावनाएं, क्या है प्रकृति में सर्वत्र संभावनाएं हैं ध्यान रखिएगा। और उन संभावनाओं को मानव अपने हिसाब से उपभोग कर सकता है ये कहा था फेब्रेन बोधे जो एक कट्टर रूप में उनकी परिभाषित हुई। इसके बाद आता है दोस्तों अपने ब्लास महोदय, ब्लास महोदय ने कहा प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। क्या कहा प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है, एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति पर सलाह दे सकती है, अब क्या करना उसमें क्या नहीं करना सारा डिपेंड किस पर करेगा मानव के ऊपर कि मानव अपने हिसाब से कार्य कर सकता है। सिर्फ प्रकृति बोल सकती है ऐसा है ऐसा सजेस्ट के रूप में प्रकृति है बाकी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ये दोनों की इतनी कट्टर परिभाषा है कि इसे संभववाद के समर्थन में उसी प्रकार सैंपल की मानव पृथ्वी तल की उपज है, मानव प्रकृति की पृथ्वी तल की उपज है। किसकी पृथ्वी तल की प्रकृति की उपज है ये कितने कट्टर है नीतिवाद के समर्थन में और सर्वत्र संभावना वाले संभववाद के समर्थन में। तो प्रकृति सलाहकार कुछ अधिक नहीं है ब्लास महोदय ने कहा था ये चीज। देखो दोनों कितने कट्टर और सर्वत्र इसके संभावना होगी दोस्तों इसी के लिए डिवीजन महोदय थे। देखिए डिवीजन महोदय थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने प्रकृति संभववाद के समर्थन के लिए कहा था कि प्रकृति सिर्फ हमें चूना पत्थर दे सकती है। प्रकृति क्या दे सकती है चूना पत्थर दे सकती है। वाइजनर इसका दूसरा नाम वाइजनर भी है, वाइजनर वाइजनर भी ध्यान रखिएगा कि प्रकृति चूना पत्थर दे सकती है लेकिन उसके पास योजना नहीं है। ध्यान रखिएगा उसके पास क्या नहीं है योजना, प्रकृति चूना पत्थर दे सकती है लेकिन योजना नहीं है। योजना तो मानव के पास है, क्या है योजना तो मानव के पास में है, मानव के पास है। देखो ये भी कितनी ज्यादा बात कही वाइसनर ने, क्या कहा कि प्रकृति क्या मिट्टी दे देगी, पेड़ पौधे देगी, लकड़ी दे देगी, चूना दे देगी, पत्थर दे देगी, ये दे देगी लेकिन योजना क्या क्या करना है क्या नहीं करना वो प्रकृति नहीं दे सकती। वो चीज अपने दिमाग से मानव अपने दिमाग से कार्य करता है कि उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसी प्रकार इसी के समर्थक के रूप में ईशा बोमेन इन्होंने भी इसका समर्थन किया अपनी कौन सी न्यू वर्ल्ड बुक के अंदर, न्यू वर्ल्ड बुक में भी इन्होंने ईशा बोमेन ने अपना समर्थन किया किसका क्या संभावनावाद को। अब ये चीजें कही अब इसी में देखिए संभववाद में इसमें आपको तुलनात्मक अध्ययन जितने के बाद अब इसमें प्रकृति मानव को मान दिया है सर्वत्र संभावना है और प्रकृति की सलाहकार शक्ति कुछ नहीं है। ये दो विचारधारा संभववाद को पूर्णतया समर्थन करती है। अब हम बात करते हैं तीसरे विचारधारा दोस्तों नव नियतिवाद। देखिए इसको भी अनेक नाम से जान सकते हैं, इसको जानते हैं पर्यावरण नियतिवाद और वैज्ञानिक उसको जानते हैं वैज्ञानिक नियतिवाद। देखिए आगे हम बात करते हैं नीतिवाद की, इसमें क्या होता है ये पूरे विश्व की देन है। ध्यान रखिए पूरे विश्व सभी में मिलजुल कर जो परिभाषा दी ये विचारधारा दी इसको ये सर्वप्रथम इसको दूसरा नाम है रुको व जाओ नीतिवाद, रुको व जाओ नीतिवाद। कौन सी नव नीतिवाद को इसको नियो डिटेरमिनिज्म बोलते हैं ध्यान रखिए उसको
इसको रुको जाओ नियति वादी बोल सकते हैं या स्टॉप एंड गो डिटेल भी नहीं इसमें किसको बोल सकते हैं नम्य नियति वाद को। इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक है ग्रिफिथ टेलर महोदय साहब है। इन्होंने क्या कहा इसके लिए कि मानव प्रकृति दोनों एक दूसरे की पूरक है। क्या कहा? मानव प्रकृति पूरक है, मानव है प्रकृति एक दूसरे के पूरक है। ध्यान रखिए दोस्तों क्या है पूरक, अर्थात मानव ना तो परिवर्तन ज्यादा चेंजेस ला सकता है ना प्रकृति मानव में चेंजेस ला सकती है। मतलब मानव अपने हिसाब से प्रकृति में चेंज कर सकता है, प्रकृति अपने हिसाब से मानव को चेंज करती है। मतलब मानव के बिना प्रकृति नहीं हो सकती और प्रकृति बिना मानव असंभव है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब क्या हुआ? नवनियतिवाद विचारधारा में नियतिवाद और संभववाद को शामिल करके इतनी सी नवनियतिवाद विचारधारा दी गई है। कौन सी? रुको जाओ ये तो कहो उसको ग्रिफिथ ने दी है। तो मानव प्रकृति एक दूसरे के पूरक है, मतलब प्रकृति सर्वोपरि नहीं है, मानव भी सर्वोपरि नहीं है और दोनों सर्वोपरि भी है नहीं भी। कहने का मतलब समझ गए होंगे आप कि यहाँ दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना ही कुछ भी कर नहीं सकते। नवनीतिवाद इसको रुको जाओ नीतिवाद भी कहते हैं। ग्रिफिथ एलन ने शब्द किया है और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसी से संबंधित कुछ विचारधारे और है, मैं उनके नाम लिख देता हूँ। आप यहाँ देखिए जैसे प्रसंभव्यवाद, प्रसंभव्यवाद, प्रसंभव्यवाद कितने दिए हैं? ये दी थी ओ एच के स्पेक महोदय ने, स्पेक महोदय ने किसने ये दी और धन इसका समर्थन किया था। समर्थन क्या? देखो एक चीज इसमें ध्यान रखिए, हेक्टर महोदय, हेक्टर महोदय, हेक्टर महोदय ने क्या कि मानव धरातल की मानव हेक्टर महोदय ने किसका समर्थन किया? ध्यान रखिएगा किसका? नीतिवाद का। ये चीज आपको पता चलाएगी अपनी पुस्तक की नाम इकोलॉजी, इकोलॉजी, इस इकोलॉजी पुस्तक में नीतिवाद का पूर्णतः उन्होंने समर्थन किया। अब आता है प्रेजेंट डे डिटरमिनिज्म, प्रेजेंट प्रेजेंट डे डिटरमिनिज्म, इन्होंने ये पुस्तक किसने दी दे दी थी दोस्तों? देखो ये इनसे जुड़े हुए हैं, कुछ अलग नहीं है। प्रेजेंट डे ऑफ एस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट डे डिटरमिनिज्म किसने दी दोस्तों? देखो ये दी थी कार्ल सावर ने, कार्ल सावर ने। तीसरा है क्रियात्मक संभववाद, क्रियात्मक संभववाद ये किसने दिया दोस्तों? देखिए ये क्रियात्मक संभववाद दिया है टैथम महोदय ने। आप इतना ध्यान रखिए किसने दिया? टैथम महोदय ने। देखिए दोस्तों इसके अंदर एक विचार और आते हैं वैज्ञानिक सावर महोदय। सावर महोदय ने क्या कहा था कि प्रकृति इसमें क्या, सावर महोदय क्या कहा कि प्रकृति के भूत दृश्य में प्रकृति यानी मानव के भूत दृश्य में प्रकृति चेंज ला सकती है। मतलब यहां पर भी क्या हुआ प्रकृति बात वापस हावी हो गया। तो ये सारी सारी विचारधाराएं इन्हीं में है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे समर्थक पूछते थे रियाजेल बाश और वो ग्रिफिथ टेलर ने दिया, संभववाद फेब्रेशन फेब्रे वैज्ञानिक ने दिया, बाकी एज इट इज देख थोड़ा बहुत ऊपर डिफरेंट है। और ये वैज्ञानिकों के नाम इन्होंने जो परिभाषाएं दी है कभी कभी वो परिभाषाएं भी एग्जाम में पूछ रहते हैं दोस्तों। तो ये देख लिए एक बार बता लीजिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। अब आगे हम मातात्मक क्रांति या प्रसंग में बाद वापस वही लाएंगे व्यवहार वादे ये सब हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड तक सभी को देखें।